नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल SRB साइंस में, जहां मैं आपसे रोजाना विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 15 NCERT की बुक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पार्ट 1। तो दोस्तों, इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम एक बात ये जान लें कि हमारे साइंटिस्ट आज इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम लोग मार्स में और मून में पहुंच चुके हैं, पर इसके साथ साथ आज भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि भूखे पेट सोती है, या कुछ लोगों को खाना तो मिल जाता है पर उसके बाद भी वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं या भुखमरी के शिकार हैं। तो जो ये माल न्यूट्रिशन और भुखमरी की जो समस्या है, किसानों की जो गरीबी की समस्या है, उन सभी को हटाने के लिए कौन कौन से उपाय करना है और जो साइंटिस्ट हैं वो किन किन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, या जो जो रिसर्च कर रहे हैं, या जो पैटर्न या बहुत सारी जो टेक्निक्स ला रहे हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई वी नीड फूड। हमें खाने की आवश्यकता क्यों है या खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। यानी कि जो खाना होता है वो हमें प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है, विटामिन देता है और मिनरल्स देता है, जो कि ये सभी जो पांचों चीज़ें हैं ये हमें और हमारी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जो फूड है उसका सोर्स क्या है। तो मेनली दो सोर्स है हमारे लिए, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर में वो सब चीज़ आती हैं जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके काम की चीज़ आती है, और एनिमल हस्बेंड्री उन लोगों के काम आती है जो कि वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। तो एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या मिलता है, पहला सीरियल्स, दूसरा पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, यानी कि सीरियल्स यानी कि अनाज, जिसमें कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी आते हैं, ये सीरियल्स हैं। पल्सेस यानी कि जो दाल होती हैं जिससे प्रोटीन मिलता है वो पल्सेस में आते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स और नट्स तो आप जानते ही हैं। इसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री से हमें क्या क्या मिलता है, पहला मिलता है एग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है मिल्क, चिकन, बीफ, पोर्क और इसके साथ साथ जो हनी भी है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है पर जरूरी है, हनी भी, वह भी हमें एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ फूड। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाई वी नीड टू इम्प्रूव इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1.2 बिलियन है, और हमारे देश में एरिया जो है वह कम है। देश वैसे तो बहुत बड़ा है पर जितनी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हमारे देश का एरिया थोड़ा छोटा है। तो लिमिटेड फार्मिंग लैंड यानी कि खेती करने के लिए भी कम जगह है। उसके बाद मोस्ट ऑफ पीपल आर फार्मर इन इंडिया, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये सभी जानते हैं कि जो हमारी टोटल इनकम है या जो हमारे देश के ज़्यादातर लोग हैं वह किसान हैं और उनकी आय का साधन खेती ही है, और उसके साथ साथ लो बजट फार्मिंग है, यानी कि हमारे देश का किसान जो है वो गरीब है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, जिससे कि वह महंगे महंगे इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकता। तो ये जो समस्याएं हैं इनको ख़त्म करने के लिए, यानी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसका पेट भरने के लिए, जो लिमिटेड फार्मिंग लैंड है उसकी समस्या को कम करने के लिए, मोस्ट ऑफ पीपल आर फार्मर यानी कि बहुत सारे जो फार्मर हैं यानी कि उनकी जो इनकम है उसका साधन है खेती, तो खेती को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इस वजह से उनकी जो इनकम है वह भी बढ़ेगी और वो वेल्दी लाइफ जी सकेंगे। इसलिए हमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दो वर्ड मिलते हैं, पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा है वाइट रेवोल्यूशन। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल दिया नहीं है,
पर फिर भी आपको मैं बताता हूँ। और इसके साथ ही यदि आपको जो रेवोल्यूशंस हैं उनके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए है, जैसे कि ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए होती है, पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए होती है, ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए होती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, उसको आप जा करके देखिए, तो आपको पूरी जो रेवोल्यूशंस हैं उनके बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीड्स एंड वेराइटी ऑफ सीरियल्स। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका मतलब है कि जो सीड्स हैं और सीरियल्स हैं, जो अनाज है उसके बीजों में और अनाजों में क्वालिटी और क्वांटिटी में उन्नति करना, या उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करना ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। इसके बाद हाँ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी फसलें हैं, तो वह थी राइस, वीट और मेज, चावल, गेहूं और मक्का। इसके बाद है अगला वर्ड व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होती है, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसमें जो दूध है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि दही, पनीर, छाछ, मठा, घी, इन सब के प्रोडक्शन में और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना ही व्हाइट रेवोल्यूशन कहलाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई रेवोल्यूशंस आर नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो वो एक परमानेंट सुधार नहीं है फूड प्रोडक्शन के लिए, या फूड प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट्स के लिए, या फूड सोर्सेस के लिए एक परमानेंट रिजल्ट या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो उसका कारण क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली, एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेस टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। यानी कि जो रेवोल्यूशंस होते हैं उसमें ये कहा जाता है या ये समझाया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का यूज़ करें, और बहुत सारा जो आपके नेचुरल रिसोर्स है उनका अनलिमिटेड यूज़ करें और उत्पादन बढ़ाएं, यानी कि जो यील्ड है उसको बढ़ाने के लिए आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सों का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। इसलिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है और व्हाइट रेवोल्यूशन है वह सही चीज़ नहीं है, यानी कि परमानेंट एक सुधार नहीं है। आप क्या करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन में लैंड एरिया बढ़ाने के लिए जंगलों को काटते हैं, आप जंगलों को काटेंगे तो वहाँ पे रहने वाले जो जानवर हैं उनका जो घर है वो उजड़ जाएगा, उससे जो हमारे जीव जंतु हैं या एनिमल्स हैं जंगली, उनकी जो स्पीसीज है वो भी खतरे में आएगी। उसके साथ साथ जंगल कम होने से पानी का जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वह भी कम होगा, बारिश भी कम होगी, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड नंबर ऑफ वेयर हाउस इज गुड बट वी स्टिल नीड टू इम्प्रूवमेंट्स, वाई। यानी कि जो क्रॉप्स का यील्ड है उसको तो हम बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ हम जो वेयर हाउस है उसको भी बढ़ा सकते हैं, पर उसके बाद भी जो ये दोनों सॉल्यूशन हैं वह भी काफ़ी कारगर नहीं है, या इम्पॉर्टेंट नहीं है, या काफ़ी अच्छे नहीं है, एफिशिएंसी कम है। तो उसका कारण क्या है कि कॉज इम्प्रूवमेंट इन क्वांटिटी कांट सॉल्व द माल न्यूट्रिशन एंड हंगर प्रॉब्लम, एवरी वन कांट अफोर्ड वेरियस टाइप ऑफ फूड डेली। यानी कि जो हमारे देश की जनसंख्या है वह काफ़ी गरीब है, यानी कि सभी लोग अमीर नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे हैं जो कि डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की सब्जियां खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सीरियल्स हैं उनका डेली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 56 भोग खा सकते हैं सीधी भाषा में, पर बहुत सारे ऐसी जो पॉपुलेशन है हमारे देश की उसे केवल दाल, चावल, रोटी, सब्जी मिल जाए, यही बड़ी बात है। तो साइंटिस्ट ऐसी खोज कर रहे हैं या ऐसे इम्प्रूवमेंट में लगे हैं कि जो कम से कम आप जो डेली जो खाना खाते हैं उसमें ही आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो उसका एक एग्जांपल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बहुत इम्पॉर्टेंट है,
आपकी बुक में दिया नहीं है पर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है, आप चावल के बारे में जानते हैं ना, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है हाई, स्टार्च होता है और प्रोटीन होता है थोड़ा बहुत। तो जो चावल होता है नॉर्मल वाला, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, थोड़ा सा प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ साइंटिस्टों ने एक गोल्डन राइस बनाया है जिसमें कि विटामिन ए भी होता है। तो विटामिन ए हमें किससे मिलता है? गाजर खाने से मिलता है, और गाजर हमेशा अवेलेबल तो होती नहीं है। इसलिए जो गोल्डन राइस है एक ऐसा चावल है बनाया गया है जिसमें कि विटामिन ए होता है, तो इससे हमें गाजर खाने की ज़रूरत नहीं है, विटामिन ए के लिए हम गोल्डन राइस को खा सकते हैं। तो इसी टाइप की बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स बनाई जा रही हैं साइंटिस्टों के द्वारा, जिससे कि हम एक ही चीज़ में ढेर सारी चीज़ों को पा सकें, एक बार खाना खाने से हमारा जो न्यूट्रिशन है वह पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक्स, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। यानी कि आप एग्रीकल्चर का काम जानवरों के साथ या पोल्ट्री के साथ या फिशरीज के साथ या बी कीपिंग के साथ करते हैं तो यह मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती है। लाइव स्टॉक्स यानी कि चौपाए, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी और गीस, फिशरीज मछलियाँ पालन, उसके बाद बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी का पालना। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ यदि एग्रीकल्चर के साथ कनेक्ट है, यदि आपके क्रॉप फील्ड के आसपास आप इसका और इनमें से किसी भी एक के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो वह कहलाती है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग का एक एग्जांपल देखते हैं हम कि एक किसान है जो एग्रीकल्चर करता है, अपने खेत में फसल उगाता है, उसके बाद जो फसल काटने के बाद जो एग्रीकल्चर वेस्ट बचता है यानी कि जो भूसा बचता है, उसका यूज़ वह चौपाया या लाइव स्टॉक्स के लिए वह किसका यूज़ कर सकता है? उसका फूड के रूप में यूज़ कर सकता है जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट है। इसके बाद जो लाइव स्टॉक से डंग मिलता है या गोबर मिलता है, उसका यूज़ वह बायोगैस बनाने में कर सकता है, और जो बायोगैस निकलती है उससे वह बिजली पैदा कर सकता है, गैस जला सकता है, यानी कि जो हम खाना पकाते हैं जिस गैस से, वैसी गैस बना सकता है। और उसके बाद बायोगैस के बाद जो वेस्टेज बचता है उसका यूज़ वह मैन्योर बना के एग्रीकल्चर में फिर से यूज़ कर सकता है। तो ये टोटल जो साइकिल है यह मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर आती है, जिसमें कि कम से कम समय में कम से कम लागत लगा करके अच्छा से अच्छा उत्पादन कर सकें। देखिए, यदि केवल किसान केवल एग्रीकल्चर करता और जानवर नहीं पालता तो वह बायोगैस भी पैदा नहीं कर सकता और उसके साथ साथ मैन्योर भी पैदा नहीं कर सकता। मैन्योर यानी कि खाद, जो कि नेचुरल खाद होती है उसे मैन्योर कहा जाता है, और जो फैक्ट्री में बनती है उसे फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा खाना है या फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है, प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, फैट का सोर्स क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स का सोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी चीज़ खाने से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत ज़रूरी है, यह हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि हम जो दौड़ने भागने में और डेली के काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? सीरियल से, जिसे हिंदी में कहते हैं अनाज, और अनाज के अंदर आता है वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सॉर्गम, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, जौ और मकई हो सकता है। इसके बाद प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन है वह हमें किससे मिलता है? पल्सेस यानी कि दालों से मिलता है, जिसमें सबसे स्पेशल है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्राम यानी कि चना, उसके बाद है पी यानी कि मटर, जो प्रोटीन है हमें वो ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, पिजन पी यानी कि अरहर, राहर, तुअर और लेंटिल यानी कि मसूर, जो गुलाबी रंग की दाल होती है उससे मिलता है। इन सभी के जो इंग्लिश नेम है और हिंदी नेम है वो भी याद रख लीजिए। इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है ये पिजन पी यानी कि अरहर। इसके बाद जो फैट है, फैट हमें किससे मिलता है?
ऑयल सीड्स यानी कि सोयाबीन, ग्राउंड नट, सीसमी, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी, अलसी, सरसों, अरंडी, तिल, मूंगफली और सोयाबीन से हमें फैट मिलता है या ऑयल सीड्स, ये सभी आते हैं। इसके बाद विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो जो विटामिन और मिनरल्स है वह हमें वेजिटेबल यानी कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं उनसे मिलता है, और इसके साथ साथ जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं उनमें कुछ मात्रा में फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इसलिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं उसे हमें डेली खाना चाहिए। इसके बाद हम बात करें कि व्हाट इज़ द फूड ऑफ लाइव स्टॉक्स, यानी कि जो हमारे जानवर हैं, चौपाया हैं, उनका जो भोजन होता है वह क्या होता है। तो लार्ज क्वांटिटी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी कि खेती करने के बाद, फसल को काटने के बाद जो वेस्ट बचा हुआ होता है या जो खराब फसल होती है, कुछ खराब जो छानने के बाद जो चीज़ें बचती हैं, जो अनाज बचता है उसका यूज़ करते हैं हम किसके लिए, जो हमारे चौपाया हैं, जो जानवर हैं उसके भोजन के लिए। इसके बाद हम ग्रास का यूज़ कर सकते हैं, बरसीम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बरसीम ये जो जानवर है उनका फेवरेट फूड होता है, जैसे आप लोगों का पिज़्ज़ा होता है वैसे ही जो बरसीम होती है वह जानवरों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इसके बाद ओट्स की बात करें यानी कि जौ, और सूडान ग्रास, यह एक अलग टाइप की ग्रास है जो कि विदेशी घास है। सूडान ग्रास आर राइज्ड एज फूड ऑफ द लाइव स्टॉक, यानी कि ये सभी चीज़ों को जो हमारे जानवर हैं, चौपाया या पालतू पशु, उनके खाने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है या उनको उगाया जाता है। इसके बाद हम देखें कि व्हाट इज़ खारिफ एंड रबी, हिंदी में बोलते हैं खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ यानी कि जो रेनी सीजन में लगाई जाती है जून से अक्टूबर तक, उसके एग्जाम्पल हैं पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेस, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। उसके बाद है रबी यानी कि जो विंटर में लगाई जाती है नवंबर के महीने से अप्रैल के महीने तक, जिसके एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। तो आप देख सकते हैं खारिफ यानी कि इसका नाम बड़ा है और जो रबी इसका नाम छोटा है। तो खारिफ में आता है पैडी यानी कि चावल और रबी यानी कि गेहूँ, छोटा नाम उसका एग्जाम्पल गेहूँ, बड़ा नाम उसका एग्जाम्पल चावल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में बताएं, इस वीडियो के बारे में बताएं, ताकि वो भी सीख सकें साइंस के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।